नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां हम बनाते हैं पारंपरिक व्यंजन बिल्कुल पारंपरिक पद्धति से। रामनवमी के दिन हमने प्रभु राम के नैवेद्य में महाराष्ट्र के सातारी कंदी पेड़ बनाए थे, तो अब उनके भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव आ रहा है पूर्णिमा के दिन, तो उसके लिए आज हम बनाएंगे मारवाड़ी मगध के लड्डू। बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो मगध के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो गेहूं का आटा लिया है, रेगुलर रोटी जो बनाते हैं हम उसका जो आटा होता है वही लिया है। एक चुटकी इसमें नमक डाल देंगे, इससे स्वाद अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है नमक से स्वाद। और इसमें मैं डाल रही हूँ घी का मोयन, घी मैंने पिघला कर ले लिया है। आधा किलो आटे में अंदाजन 70 से 100 ग्राम तक घी लग जाता है, तो मुट्ठी बंद इसका मोयन हमें तैयार करना है। जिस तरह हम चूरमे के लड्डू बनाते हैं लगभग वही प्रोसेस है इसका, तो मुट्ठी बंद मोयन होना चाहिए। मुझे इसमें घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो थोड़ा मैं और डाल रही हूँ। अंदाजन 100 ग्राम जितना घी इसमें लग जाता है तो ज्यादा अच्छा होगा वो। और मुट्ठी बंद मोयन, ये देखिए हमारा तैयार हो गया है मुट्ठी बंद मोयन। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालना है, गर्म पानी लेना है, गुनगुने से भी गर्म, गुनगुना नहीं गर्म पानी, और वो पानी डाल के और इसको जिस तरह से इसको इस प्रोसेस को मोगरी बनाना बोलते हैं, जिस तरह हम बेसन का चूरमा वगैरह बनाते हैं वही प्रोसेस है इसका। तो उस तरह से हमें इसमें पानी डालना है, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि कोई आटा नहीं लगाना है हमें इसका, सिर्फ इसमें पानी मिला के और इसको ये इस तरह से बीच में सारा इकट्ठा कर लेंगे हम। हल्का सा गीला हो गया है ये, और इसको अब ढक्कन लगा के रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटा हो गया है हमारे मोगरी के लिए तैयार है ये आटा भी। अब इसे हमें छानना है, तो छानने के लिए मैंने यहाँ पे एक छालनी ली है, इसके छेद मोटे हैं। आपके पास ऐसी छालनी नहीं है तो आप गेहूँ छानने वाली छालनी भी ले सकते हैं, या जो सूप स्ट्रेनर होता है उसमें से भी निकाल सकते हैं। पर बड़े छेद की छालनी होगी तो आपका जो मगध का जो मोगरी पड़ेगी वो उतना ही उसका दाना बड़ा पड़ेगा। ये मेरे यहाँ थोड़ा सा बारीक दाना पसंद करते हैं मोगरी का, इसलिए ये इस तरह का देखिए तैयार हुआ है। अब इसे सेकना है हमें, तो सेकने के लिए मैंने मोटे पैंदे की कढ़ाई ले ली है और उसमें घी डाल दिया है। अंदाजन 150 से 200 ग्राम जितना घी लिया है। घी आप साइड में रख भी सकते हैं पिघला के। अब इसमें मैं गोंद फ्राई कर रही हूँ, जो खाने वाला गोंद होता है बारीक 0 साइज का गोंद, वो फ्राई करके निकाल रही हूँ इसमें से। 0 नंबर का गोंद लें ताकि उसको चूरा नहीं करना पड़े और इसका जो क्रंच मुंह में अच्छा आता है फिर। अब इसमें हमारा जो हमने मोगरी बनाई थी वो डाल के और उसको सेकेंगे। अभी ये पेशेंस का काम है। अभी आपको लग रहा है कि घी इसमें कम लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक बार तो आटा पूरा घी चूस लेता है, लेकिन जैसे जैसे सिकता जाएगा वैसे वैसे घी छूटता जाएगा। फिर भी आप एक तरफ घी पिघला के तैयार रखें, अगर आपको लगता है कि घी बहुत कम लग रहा है तो उसमें और भी डाल सकते हैं। और मंद आंच पे इसे हमें सेकना है, टाइम लगेगा इसमें, 1/2 से 1.5 घंटा लग जाता है इसको सेकने में। तो पेशेंस का काम है ये, पर उसका एक मजा ही अलग है पारंपरिक रेसिपीज का। मजे से मस्ती से बनाइए और फिर मस्ती से उसको खाने का आनंद लीजिए, उसका मजा ही अलग होता है। तो ये मंद आंच पे सेकना है हमें, ये इस तरह का बादामी गहरा रंग हो जाना चाहिए इसका, तब तक हमें इसे सेकना है। ये देखिए आप देख लीजिए इसका टेक्सचर, और घी इसमें, मुझे इसमें घी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा है। आप अगर घी ज्यादा चाहे तो डाल सकते हैं, ऐसा कुछ प्रमाण का ऐसा नहीं है इसमें। तो ये हमारा चूरमा मैंने परात में निकाल लिया है, और इसमें मैंने बादाम का पाउडर और काजू का पाउडर डाला है, आप इसके टुकड़े भी डाल सकते हैं करके। और इसमें मैं डाल रही हूँ किशमिश, ये ड्राई फ्रूट्स सारे ऑप्शनल है, पर ड्राई फ्रूट्स डाले तो कैसे लड्डू में एक अच्छा और भी बढ़िया स्वाद आ जाता है उसमें, तो उसके लिए डाले हैं मैंने। पर आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स और किसी भी तरह से डाल सकते हैं इसमें। अब इसमें डाल रही हूँ जायफल, जावित्री और इलायची। ये कॉम्बिनेशन मेरे चाचा जी ने मुझे खुरमा लड्डू के वक्त बताया था और उसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगा था, तो सोचा इन लड्डुओं में भी इसी तरह से कॉम्बिनेशन ट्राई किया जाए, बहुत बढ़िया लगता है ये। अब इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, फिर वही जो ताजा गुलाब की पत्तियां हैं जो हमने खुरमा लड्डू में भी डाली थी, उसका स्वाद बेहतरीन आया था, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ताजा गुलाब की पत्तियों का स्वाद इसमें बहुत बढ़िया लगा था, तो मैं इस मगध के लड्डू में भी ये ताजा गुलाब की पत्तियां डाल रही हूँ। देशी गुलाब है ये, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको थोड़ा गुनगुना होने देंगे,
उसके बाद इसमें हमें शक्कर मिलानी है। ये बस मिश्रण हमारा हल्का सा गुनगुना हो गया है अभी, तब इस वक्त मैं इसमें पहले जो हमने गोंद फ्राई किए थे घी में वो डाल रही हूँ। तो ये मेरे जीरो साइज का गोंद है, इसलिए मैंने इसको क्रश नहीं किया है, आप चाहें तो पूरा क्रश करके भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ क्रिस्टल शुगर, जो हमने खुरमा लड्डू में भी डाली थी, बहुत बढ़िया लगता है उसका क्रंच। और अंदाजन 150 ग्राम जितनी मैं भूरा शक्कर ले रही हूँ, आप चाहें तो कम ज़्यादा मीठा आपकी पसंद का कर सकते हैं, इसमें बहुत बढ़िया लगेगा। और अगर आप मिश्री का पाउडर बना के इन लड्डुओं में डालते हैं तो इसका स्वाद भी अच्छा होगा और ये और भी पौष्टिक हो जाएंगे। मिश्री ठंडी तासीर वाली है, और गर्मियों में अगर आप ये इस तरह से बनाते हैं मगध के लड्डू मिश्री का पाउडर डाल के, तो वो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होंगे। घर में बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे ये मगध के लड्डू, खासकर बुजुर्गों को तो ये बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि इनको चबाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, एकदम सॉफ्ट है लड्डू ये मगध के। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और रेसिपी ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ये इस तरह से अब हम लड्डू बांध लेंगे, और ये लड्डू आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब होते नहीं है। एक बार बना के रख लीजिए, बच्चों के लिए एक नाश्ता हो जाता है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। तो इस हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी को ये मगध के लड्डू का नैवेद्य अर्पित कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलेंगी। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त।